يشرح لي صدري وييسر لي أمري وحل لقدة من لساني يفقه قولي رب زدني علما اللهم فقهنا في الدين رب يسر ولا تعسر وتمم بالخير وبك نستعين آمين يا رب العالمين آج إن شاء الله هم شروع کرنے جا رہے ہیں جو نیکس رول ہے اس کا نیم ہے اس کا نیم لکھئے اور میں امید کرتی ہوں کہ آپ کے پاس کوپی اینڈ پینسل موجود ہوگی एन प्लस कुरआन तो आप लिखना स्टार्ट कीजिए साथ में सुनते जाइए समझते जाइए और इसको लिखते जाइए हमारा टॉपिक नेम है आज का उसका नाम है गुन्न नून गुन्न सबसे पहले आ, किसी भी चीज को समझते हुए हम सबसे पहले उसके नाम पर गौर करते हैं कि उसके नाम के अंदर क्या मीनिंग है और फिर वो क्यों इस्तेमाल किया जा रहा है फिर हम ये सारी चीजें देखते हैं तो गुन्ना जो है वो अरबी जुबान का लफ्ज है गुन्ना अरबी जुबान का लफ्ज है अब देखें कि गुन्ना है तो अरबी जुबान का लफ्ज लेकिन जब हम इसकी अदायगी देखते हैं तो इसकी अदायगी जो है ऑलमोस्ट हर जुबान में पाई जाती है सिर्फ उस आवाज को अरबी में गुन्ना कहते हैं तो हम अरबी टर्म में उसका नाम सीख रहे हैं और ये चीज आपके लिए प्लस पॉइंट है कि ये नहीं कि सिर्फ अरबी जुबान में या कुरान पाक पढ़ते हुए ही इंसान गुन्ना करता है गुन्ना हर जुबान में हर डिफरेंट लैंग्वेज में ये होता है अब वो कैसे होता है उसको क्या कहते हैं वो प्रोसीजर जरा डिफरेंट हो सकता है अदरवाइज ये हर लैंग्वेज में है तो आप लिखेंगे गन्ना जो है Osionfish. वो अरबी जुबान का लफ्ज है अब आप लिखें कि इसको अरबी जुबान का लफ्ज है तो अब आप इसकी हेडिंग देंगे लुघवी मायना गुना के लुघवी मायना क्या है गुना के लुघवी मायना है गुनगुनी आवाज गुनगुनी आवाज अब गुनगुनी आवाज में आप यह भी लिख सकते हैं गुनगुनाहट उन्ना से मुराद है गुनगुनाहट या गुनगुनी आवाज अब आप देखें कि ये तो गए लुगुई मारना के गुनगुनी आवाज अब देखिए गुनगुनाना या गुनगुनी आवाज यहां से हमें पता चलता है कि ये तो हर जुबान में होता है गुनगुनाना और गुनगुनी आवाज होना ठीक है अब हमने ये चीज देखनी है कि गुनगुनी आवाज जो है वो किस बॉडी ऑर्गन में पाई जाती है क्या वो हम जुबान से गुनगुनाते हैं क्या हम मुंह के अंदर से गुनगुनाते हैं या हम नाक से गुनगुनाते हैं अब वो इसका जो एग्जिट uh, पॉइंट है या आर्टिकुलेशन पॉइंट है या मखरज पॉइंट है वो आप हेडिंग देंगे इसका मखरज क्या है ये आवाज ये गुनगुनाहट आती कहां से है तो इसका मखरज है नाक की हड्डी नाक की हड्डी ठीक है तो मखरज हमारे पास क्या है गुनगुनी -गुन का या गुनगुनाहट का या गुन्ने का नाक की हड्डी अब देखिए नाक की नाक नहीं बोला मैंने नाक की हड्डी बोला है इट्स मीन कि जो ऊपर नाक के ऊपर जो हमारी यहां से जहां से शुरू होता है वो हमारी जरा हार्ड होती है जगह तो ये ये वो जगह होती है जहां से हम गुनगुनाते हैं ठीक है थीके? इसकी वाइब्रेशन जो है आप ये भी लिख सकते हैं गुनगुनाहट में आप ये भी लिख सकते हैं जो वाइब्रेशन होती है नाक में आप उसको गुना कहते हैं आप ये भी कह सकते हैं अपनी जुबान में एक्सप्रेस करने के लिए तो कितनी चीजें हमारे पास आ गई गुन्ना अरबी जुबान का लफ्ज है लोही मारना गुनगुनाहट या गुनगुनी आवाज फिर हमने ये चीज डिस्कस की कि इसका मखरज क्या है तो मखरज है नाक की हड्डी अब आप लिखेंगे इसकी डेफिनेशन तारीफ या आप लिख सकते हैं इसतलायना या इस्तलाही मतलब कोई भी हेडिंग आप दे सकते हैं ठीक है इसलायना या आप कह सकते हैं कि इसलाही मायना यहाँ आप लिख सकते हैं डेफिनेशन ऑफ गुन्ना या तारीफ कुछ भी तो गुन्ना की तारीफ क्या है कि नाक में आवाज के ठहराने को गुन्ना कहते हैं इट्स सिंपल आवाज को नाक में ठहराने को गुन्ना कहते हैं ये जो ठहराना का लफ्ज है ना ये आपका फोकसिंग है इसमें क्योंकि ये तो हमें पता लग गया कि ये इसका मकरद जो है वो नाक की हड्डी है लेकिन क्योंकि सम जो आप कुछ आगे रूल पढ़ेंगे आप उसमें कहीं पर आवाज़ छुपाते हैं कहीं पर आवाज़ मिलाते हैं दाखिल करते हैं कहीं पर आवाज़ हल्की सी आती है छुपाने में भी और मिलाने में भी कुछ शो भी हो रही होती है तो वो डिफरेंट इंशाल्लाह वो आप आगे सीखेंगे लेकिन यहाँ पे आपका फोकसिंग होना चाहिए कि आवाज़ के ठहराने को नाक में आवाज़ के ठहराने को गुना कहते हैं ठीक है ये चीज़ आपको क्लियर होनी चाहिए अब आप लिखिए कि गुना जो है वो कितने हरूफ पर होता है अलीव से लेके या तक हरूफ है क्या सब पर गुन्ना होता है तो हर आवाज पर गुनगुनी आवाज नहीं हो सकती सिर्फ दो हरूफ है सिर्फ दो हरूफ इस बात पर भी फोकसिंग रहना है कि दो अल्फाज नहीं कहना दो हरूफ कहना है और वह दो हरूफ कौन से हैं वह दो हरूफ हैं नून और मीम नून और मीम नून और मीम दो हरूफ हैं या इनको आप कह सकते हैं कि हरूफ गुन्ना दो हैं नून और मीम ये दो वो हरूफ हैं जहां पर गुनगुनी आवाज होती है अब मजीद आप इसके हेडिंग दीजिए कि क्या सिर्फ नून और मीम खाली इस तरह हो तो ही गुन्ना होता है या इसमें जो है वो कोई और कोई चीज ऐड होती है तो हम गुन्ना करते हैं तो ये चीज़ मैं कह रही थी कि अलिफ से लेके या तक सिर्फ दो हरूफ हैं नून और मीम फिर मैंने ये बोला था कि क्या ये जो दो हरूफ हैं क्या इनके ऊपर कोई और अलामत या हरकत आए तब गुन्ना होता है या खाली सिर्फ दो ूफ सिंपल ये आ जाए तो गुन्ना शुरू हो जाता है तो उसके लिए हम ये देखेंगे कि मुशद्दत यानी आप लिख सकती हैं हेडिंग दे सकती हैं तशदीद या आप लिख सकती हैं है, है, मुशद्द कि जब ये दोनों हरूफ मुश्द हालत में आएंगे तब गुना होगा इट्स कंडीशनल कि जब इन दो हरूफ पर तशदीद होगी तब गुना होगा हरकत दम्मा की आए कसरा की आए फतहा की आए साकिन हो जाए इट्स नॉट ये कोई इसमें वो कंडीशन नहीं है इसमें ये कंडीशन होना जरूरी है कि यहां पर तशदीद होना जरूरी है ठीक है अब ये बात अब जहां पर भी आप नून देखेंगी तो आपने सेकेंडली क्या देखना है वहां पर आपने सेकेंडली देखना है कि अगर वहां पर तशदीद है तो फिर गुना होगा अगर नून है तशदीद नहीं है तो फिर गुना नहीं होगा ठीक है बिल्कुल मीम, मीम का भी यही केस है कि अगर मीम जो है वो तशदीद के साथ है तो गुना होगा अगर नहीं तो गुना नहीं होगा यहां तक बात क्लियर होगी आपको अब आप लिखें कि जैसे मिसाल लिखिए तो क्योंकि सिंपल मिसाल बता बता रही हूं इंशाल्लाह जब आप वीडियो देखेंगे तो वीडियो के अंदर ये चीजें क्लियर होंगी आपको सिंपल मिसाल ये है और अभी तक में भी आपको चीजें करवा दूंगी नून की मिसाल लिखे इन्ना अलिफ यानी अलिफ डाले ऊपर उसके नीचे हरकत डाले तो हमजा बन गया साथ में नून ऊपर तशदीद ऊपर जबर इन्ना <coughs> ये जो है हम मैंने अभी पढ़ के भी बताया आपको कि इन्ना ये जो मैंने आवाज दी है नाक में गुनगुनाहट वाली और आवाज को ठहरा कर इसी को कहते हैं गुन्ना इन्ना। अब मैं यहां पर अगर पढ़ती हूं इन्ना तो मैंने इस लफ्स को अदा करते हुए गुना नहीं किया लफ्ज तो मैंने ठीक पढ़ा है लेकिन मैंने इस लफ्स में गुना नहीं किया ठीक है तो जब मैं पढ़ूंगी इन्ना तो ये लफ्स भी ठीक पढ़ा गया है और गुना के साथ ठीक पढ़ा गया है अदरवाइज ये जो लफ्ज होगा ये नामुकमल होगा ठीक है बिल्कुल इसी तरीके से मीम के लिए भी आप लिखें जैसे लफ्ज आता है मीम मीम यानी कि दो मीम और फिर साथ में एलिफ नीचे और ऊपर जबर और मीम तो ये कैसे पढ़ा जाएगा दूसरे मीम पर शद है तो इसका मतलब है दूसरे मीम पर गुना होगा तो हम पढ़ेंगे मीम ठीक है अब ये जो हमने पढ़ा निम ये लस जो है अगर हम यहां पे गुना नहीं करते तो ये पढ़ा जाएगा मिम्मा लेकिन गुना के साथ दुरुस्त और मुकम्मल सूरत में ठीक है ये गुना के साथ इसकी अदायगी हो गई अब आप लिखिए कि मकदार कितना है कितनी लेंथ में आपने गुना करना है कितनी देर आपने नाक में आवाज को ठहराना है तो वो कितना है मकदार है इसकी होगी एक अलिफ एक अलिफ जितना एक अलिफ पढ़ने को टाइम लगता है उतनी ही आप ऊना की आवाज रखेंगे तो मकदार में आप लिखेंगे कि एक अलिफ या जैसे मैं आपको बताती हूं कि टू काउंट्स टू काउंट्स में क्या होता है टू काउंट्स में आपकी आ, आपके दो हरकत आ जाती है ठीक है जैसे आप देखिए कि आप किसी को स्ट्रेच करते हैं तो टू टाइम स्ट्रेच करना होता है आपने उसको पहला स्ट्रेच क्या होता है इन और दूसरा स्ट्रेच क्या होता है جزاكم الله خير سبحانك اللهم وبحمدك نشهد ان لا اله الا انت نستغفرك ونتوب اليك السلام عليكم ورحمه الله وبركاته